हे गाइस, स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनी होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनीज होती है, जो सरकार के अंदर, जिसको आप स्टेट पीएसयू भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये बहाली है। दूसरी चीज़ है कि आपने देखा कि इसमें जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है दोस्तों। तो अब इसमें एक चीज मैं क्लियर आपको कर देता हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर में ये टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट है। अब ये जो टेक्निकल पोस्ट है, इसके अलावा मैंने लिखा कि कोई एग्जाम नहीं है, तो 100% मैं बता देता हूँ कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। दूसरा चीज कि आपको मैं बता दूं, इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। 100% बात है, पक्की बात है, 100% नो इंटरव्यू। तो भैया, इस पे सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन होगा मेरिट बेस्ड पे। अब ये मेरिट जो है, ये कैसे सिलेक्ट किया जाएगा कि मेरिट कैसे होगा, किस चीज में इसका सिलेक्शन मेरिट में लिया जाएगा? दूसरी चीज, आपके मन में ये शंका होगा कि टेक्निकल में फिर ये किस डिपार्टमेंट के लिए, भाई साहब, ठीक है, ये डिपार्टमेंट कौन सा होगा? उसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, अगर टेक्निकल ही है तो क्वालिफिकेशन क्या होगा? और तीसरी बात कि ये अप्लाई कब तक होगा, लास्ट डेट क्या होगा, और अप्लाई करेंगे तो क्या ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इतनी सारी सवालात हैं और इनका जवाब जो इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब उसके लिए है कि आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, और मैं जैसा कि बोलता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो अपने जानने वाले लोगों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी के अंडर में आता है, जिसको आप बोल सकते हैं स्टेट पीएसयू बोल सकते हैं। इसमें जो है, जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है। और ये जो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें टोटल 55 सीट है, टोटल 55 सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिख दिया गया, इन्वाइट एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एंड इनर्जेटिक ग्रेजुएट इंजीनियर्स फॉर द पोजिशन। ग्रेजुएट इंजीनियर मतलब कि सिर्फ आपको बीटेक ही काफी है। फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं, पोस्ट देख लेते हैं, कैटेगरी देख लेते हैं, इसका पोजिशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल है, इसमें अनरिजर्व के लिए 11 सीट है, अनरिजर्व में अगर पीएच में है तो 1 सीट है, एससी के लिए 5 है, एससी पीएच के लिए 1 है, एसटी के लिए 8 है, और ओबीसी के लिए 11 है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ठीक है। इसमें टोटल 40 सीट है, और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में इसमें टोटल 15 सीट है, यानी टोटल 55 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो देखिए दोस्तों, हाउ टू अप्लाई में समझ लीजिए कि कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए इस पोस्ट में, उनको बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एआईसीटीई से अप्रूव किसी भी इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो गया, बी बीटेक हो गया, हाँ ठीक है। दूसरा कि उनके पास गेट जो एग्जाम होता है, जिसको आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग बोलते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियरिंग बोलते हैं, इसके इसमें जो है आपको यहाँ पे दोस्तों टेस्ट और जो किसी एक साल का, किसी भी एक साल का गेट का आपको 2022, 2023 या 2024 किसी एक साल का आपको गेट स्कोर चाहिए होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो वैलिड गेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्कोर कार्ड है, वो आपका होना चाहिए। स्कोर जो आप इस तीनों में से किसी साल में जो पाए हैं, सिविल में या इलेक्ट्रिकल में, वही आपका सिलेक्शन करेगा। यानी कि गेट के स्कोर पे ये बहाली है, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, आपका गेट स्कोर जो होगा उसी के हिसाब से बहाली आपकी होगी। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, www.mponline.gov.in पे, ठीक है। और ये 30/3/2024 से एक्टिवेट होगा, यानी कि 30 मार्च 2024 से ये एक्टिवेट है। लास्ट क्या है वो आगे बात करते हैं। अब देखिए, फॉर अप्लाइंग एमपी बीडीसी में आइए। अब कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन जो है इस वेबसाइट पर मिलेगा, जिसको आप केयरफुली पढ़ना है, और किसी एक साल का गेट का स्कोर देना है। एक आपको 250 रुपया आपको फीस लगेगा अप्लाई करने का। सबमिशन आपको ऑनलाइन करना है, उससे आपको एक्नोलेजमेंट स्लिप मिलेगा, जिसमें एक्नोलेजमेंट नंबर होगा, और आपको अपना एक्नोलेजमेंट स्लिप जो है वो प्रिंट करना है। एफिक्स अ कॉपी ऑफ द सेम फोटोग्राफ यूज्ड इन गेट 2022-23-24 साइन एज द स्पेस प्रोवाइड, और उसपे जो है जो 22-23-24 में गेट में जो फोटो यूज किया वही फोटो आपको चिपकाना है, ठीक है।
और साइन के लिए स्पेस मिलेगा उस स्पेस में। उसके बाद आपको वो फॉर्म प्रिंट करने के बाद, फोटो साइन करने के बाद सबमिट करना है। एड्रेस है चीफ जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, MPBTC, एरिया हिल बिल्डिंग भोपाल, विथ प्रूफ ऑफ पेमेंट के साथ आपको, और ये सब सब गेट के डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना है इन डॉक्यूमेंट को सेपरेटली थ्रू ईमेल या वेब पोर्टल। आप ईमेल के थ्रू उसको कर दीजिएगा या वेब पोर्टल के थ्रू आपको कर देना है, ठीक है। एज लिमिट 21 साल का है। कैंडिडेट जो है 1/2/2023 को 35 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन जो है उसके हिसाब से, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए 5 साल का होता है, सब लोग जानते हैं। फिजिकली चैलेंज के लिए 15 साल का है। नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी, जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और उनको उसी का सीट मिलेगा, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी चाहिए उनको, तो उनको डोमिसाइल होना चाहिए मध्य प्रदेश का। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके गेट स्कोर के हिसाब से बनेगा, और कैंडिडेट के पास जो BE BTEC जो होगा इलेक्ट्रिकल सिविल में, वो कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिस्क्वालीफाई होते किसी रीजन से, तो मेरिट जो है, मेरिट लिस्ट को जो है लोअर में कंसिडर किया जाएगा। दूसरा कि अगर एक ही कैंडिडेट का एक रंग का, मतलब मान लीजिए कि 324 324 दोनों कैंडिडेट का स्कोर आ गया, तो उसमें जिनका एज ज्यादा होगा उनको प्राथमिकता पहले मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में वहां पे चेकअप वगैरह होगा। ट्रेनिंग है, इमोलमेंट समझिए पैसा कितना मिलेगा। तो ट्रेनिंग जो होगा वो उसमें जो प्रोबेशन है 2 साल का होगा, उसमें आपको 42,700 Level 10 का मिलेगा। जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पे स्केल जो है 42,700 से 1,35,100 Level 10 का आपको मिलेगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है कि कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी बॉन्ड जो है ₹75,000 75,000 का जो है डिपॉजिट करना होता है इसके इसमें, और सेल्फ फॉर द लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 साल, 3 साल के पीरियड के लिए, मतलब 3 साल के अंदर अगर आप छोड़ते हैं तो आपको इतना पैसा आपको वो जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने के 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के इंडियन नेशनल होना चाहिए, कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, और वही सारी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं आप। ये मैं बताऊंगा ये आपको कहाँ मिलेगा उसके लिए मैं बता दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एडवर्टीजमेंट पेपर में आया था 26 फरवरी को, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 30 मार्च से, लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 30 अप्रैल है। पब्लिश द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 5 जून को आपको लिस्ट आ जाएगा, और वेरिफिकेशन जो मेडिकल होगा होगा वो 25 जून को आपको होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, अबव डेट जो टाइम टू टाइम उसको चेंज भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। तो ये सारी जानकारी हो गई। अब जो है इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, कोई आपको जानकारी चाहिए इस ईमेल पे कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे आप, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो गई MP जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की उसकी। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप देख सकते हैं। तीसरा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसको आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है उसको आप फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वहां से भी आप इसको पा सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर लाइक कीजिए, ठीक है। और इसी तरीके की वैकेंसी मैं फिर आगे लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।